कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं श्रीकांत कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जे स्क्वायर बाय बीएम यादव में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं। जो एग्जाम हो जैसे आप SSC CHS ले लीजिए, SSC MTS ले लीजिए, अदरवाइज आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सब में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की एक विशेष बात यह है जो अगर हम इसमें मैथ में बहुत सारे चैप्टर आते हैं जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, बट्टा, ये सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस सब में परसेंटेज का क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे ही जाते हैं। ये दो चैप्टर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से। हेडिंग दीजिए परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। आप लोगों को पता है इस चैप्टर में पूरी बात इसके हेडिंग में ही छिपी हुई है। जितना भी हम चीज बोलेंगे सब इसके हेडिंग में ही छिपा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है एक बार गौर से पढ़िए, एक बार इसको भी गौर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रतिशत क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब समझिए कुछ। प्रतिशत है जो दो शब्द से जुड़ के बना हुआ है। प्रतिशत दो शब्द से जुड़ के बना हुआ है। पहला है प्रति, दूसरा है सत। प्रति जोड़ सत बराबर हो जाता है प्रतिशत। समझ गए? यहां पे प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिशत का मतलब हो जाता है एक। प्रति मतलब एक और सत मतलब क्या? सौ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज। आप लोग क्या क्रिकेट खेलते हैं? ऑब्वियसली बहुत आदमी क्रिकेट खेलता है, बहुत आदमी का फेवरेट गेम भी होता है क्रिकेट। क्रिकेट में देखने को मिलता है दोस्तों जैसे विराट कोहली, धोनी जब 100 रन बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। यानी कि एक सेंचुरी बना लिया। समझ गए? यहाँ पे भी यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वो सेंचुरी शब्द से ही आया है। समझ गए? और सेंचुरी में कितना रन होता है? 100। इसलिए यहाँ पे 100 दे दे। सेंटेंस का मतलब 100 और पर के मतलब क्या? 1। समझ में आया? हमने कहा यहाँ पे प्रतिशत। प्रति मतलब क्या होता है? हर एक। एग्जाम्पल फॉर जैसे हम आपको 5 टॉपिक दिए और बोले कि आप अपने प्रत्येक फ्रेंड में बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो क्या आप 5 टॉपिक खुद खा जाइएगा? नहीं ना, आप हर एक फ्रेंड को एक एक टॉफी दे दीजिएगा। इस गॉल्ड प्रति। प्रति मतलब हर एक। समझ गए? और सत मतलब क्या? 100। समझ गए? तो परसेंटेज को ऐसे भी कह सकते हैं 100 बराबर भागों में से, 100 बराबर भागों में से। यहाँ पे देख जैसे लिखते हैं एक्स प्रतिशत का अर्थ क्या होगा? एक्स प्रतिशत का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों आप बोलिएगा 100 बराबर भागों में से 100 का भाग। समझ गए? यानी कि 100 बराबर भागों में से जो एक्स का भाग होगा वही कहलाएगा एक्स प्रतिशत। जैसे हम बोलेंगे यहां पे आपको 7 प्रतिशत
मतलब क्या 7/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ओके चलिए यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे चलते हैं। प्रतिशत एक और एग्जांपल दे दे इसके ऊपर, जब बताइए 10% का अर्थ क्या हो गया? 10/100, 0 से 0 कटा 1/10। समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, साफ करें इसको। अब आगे है फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। मतलब क्या, हमको फ्रैक्शन में दिया रहेगा और उसे प्रतिशत में चेंज करना है। हेडिंग फर्स्ट एफ आर फ्रैक्शन चेंज इनटू प्रतिशत। समझ गया? अब यहाँ पे अगर किसी को फ्रैक्शन समझने में दिक्कत हो तो उसे हम समझा देते हैं। जैसे 2/3, 4/7, 5/6, 9/5, .. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यू नो। यानी कि जो बट्टा बड़ा है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको 7/5 को प्रतिशत में बदले। 7/5 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो इसमें जब भी हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना रहे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मेरा फ्रैक्शन से परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 7/5 मल्टीप्लाई 100, और 5 × 2 = 10, बचे 0 रख दिए, कितने हो गए 140, 140% हो गया। 5/7/5 इज इक्वल टू 140%। चलिए एक आप लोग सॉल्व कीजिए, 2/10 को प्रतिशत में बदले, कितना हो जाएगा? अरे यार 20 नहीं हो जाएगा, इतना सॉल्व कर रहे हो। 2/10 मल्टीप्लाई 100, क्या बोले, जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 का 10 × 20। समझ में आ गया कि आगे चले, ठीक है। अब आगे आता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। दिया रहेगा परसेंटेज से प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदले। इसमें हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे हम इससे पहले क्या कर रहे थे, अगर फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज पूछ रहा था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यू नो। अब हमको प्रतिशत से फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और 40% क्या मतलब है इसका, 40% को फ्रैक्शन को भिन्न में बदले। क्या बताएं, अभी 100 से डिवाइड कर देना 2/5। समझ में आया सबको? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिए।
25%। सब बना सब 25% क्या लिखेंगे? 25/100, 25 to the 50, 25 for the 100, 1/4। किसी को समझने में दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ गए? अब अगला आता है मेरा, अगर x y से यदि x y से p प्रतिशत अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रमेश मोहन से 25% अधिक है तो 25% अधिक नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं 25% अधिक वेतन है, यानी कि रमेश मोहन से 25% ज्यादा कमाता है। कर दिए क्या पे? यानी कि रमेश जो है मोहन से 25% ज्यादा कमाता है, ज्यादा तो कमाता है तो मोहन रमेश से कितना कम कमाता है? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं और इसे हम बनाने में 5 मिनट 3 मिनट ऐसे लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं रहता जो हम इसको प्रोसेस से सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स वाई से पी प्रतिशत अधिक है, बस इतना ही लॉजिक है, एक्स वाई से पी प्रतिशत अधिक है। इसका शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए, एक्स वाई वाई इसका शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिए, एक्स मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस एक्स, मतलब क्या, जो भी हमको प्रॉफिट होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड 100 में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा जो वाई एक्स से कितना कम कमाता है। समझ गए? इसी फॉर्मूला पर आधारित हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश मोहन से 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है, ज्यादा कमाता है कितना, 25%। अभी बताएं हम 25 × 100 यानी कि 25 × 100 / 100 + 25 इज लाइक, ऊपर वाला को सेम रहने देंगे, नीचे वाले में अगर 1 में 25 जोड़ेंगे तो 125, 25 × 5 = 125, 5 × 120 आ गया। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे तो था ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा था, यानी कि रमेश मोहन से 25% ज्यादा कमाता है। अब एक चीज बताइए, ये रमेश जो है मोहन से ज्यादा कमाता है तो ये भी तो हो सकता है
जो मोहन ही रमेश से ज्यादा कमाता हो। कहने का तात्पर्य यह है यह रमेश मोहन से 25% ज्यादा कमाता है। अगर क्वेश्चन हमको यही पूछ दे जो रमेश मोहन से 20% कम कमाता है, तो मोहन रमेश से कितना अधिक कमाता होगा? समझ में आ गया? यहाँ पे बोल रहा है जैसे हम आपसे, हम नहीं, आप अपने फ्रेंड से अगर 2 घंटा ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये भी तो हो सकता है जो आपसे कोई दूसरा फ्रेंड हो, वो दूसरा फ्रेंड क्यों, आपका ही फ्रेंड, वो आपसे 4 घंटा ज़्यादा पढ़ता है। एज लाइक सेम यहाँ पे वही बात है, जो रमेश मोहन से 25% कम कमाता है तो मोहन रमेश से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाएगा? तो इसको एज लाइक सेम कुछ नहीं करना है, जो ठीक अभी आपको ऊपर में बताया उसमें से प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा। प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो 25 × 100 बाय 100 − 25, तो 25 × 100 = 75। 25 × 3 = 75, यानी कि 100 × 3, तो 33 by 1/3, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको? चलिए सॉल्व। अब इससे आगे कि दूसरा टाइप आता है जो अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये भी टाइप अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। मतलब ये कि जैसे रमेश किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका जो मैनेजर है कंपनी का, वो रमेश की सैलरी में पहले 10% का बढ़ोतरी करता है, फिर 10% का कमी कर देता है। तो रमेश का जो एक्चुअल सैलरी है वो कितना है वो हमसे पूछता है। जैसे पहले 10% की वृद्धि कर दिया, फिर 10% की लॉस कर दिया, पहले 10% बढ़ा दिया, फिर 10% कम कर दिया। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें प्लस का जो सिंबल है वो हमको लाभ को दर्शाता है। मतलब क्या, मेरे सैलरी में बढ़ाया। जैसे मेरा सैलरी 15,000 है, तो जो उसका इच्छा करे 2,000, 10,000, 15,000 जो बढ़ा, जितना ये बढ़ाएगा वो डिनोट होगा एक्स से, सॉरी प्लस से। और अगर मेरे सैलरी में 10% 20% कमी करता है तो वो होगा माइनस से। इसमें सिंबल का ये खास ध्यान रखिएगा, अगर सिंबल आपका गलत हुआ तो आंसर भी आपका गलत आएगा, इसलिए सिंबल को सही से यूज कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा जो क्या क्या रहा है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर में लिखा हुआ जैसे कह रहा है, पहले 10% हमको बढ़ा दिया, फिर 10% माइनस माइनस कर दिया। तो पहले 10% बढ़ा दिया है, 10 या मल्टीप्लाई नहीं होगा, पर फिर क्या किया, माइनस, तो माइनस यूज यानी कि हमको घटा दिया, तो 10 × 10 यहाँ पे 10 × कैसे हो जाएगा, ये प्लस सिंबल है ये माइनस सिंबल है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर जिसको नहीं पता है वो मेरा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर अपलोड है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, वो वहाँ से जाके देख रहे हैं। अब 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कुछ बचा नहीं, ये 1, 10 में से 10 गया कितना, 0, यानी कि -1।
एक्चुअल में ये बताओ हमको लॉस ही हुआ। ये परसेंटेज का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे किसी के सैलरी में आप पहले उसको बोल दीजिए कि हाँ 10% का हम आपके सैलरी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और फिर बाद में बोलेगा कुछ दिनों के बाद हम आपकी सैलरी में से 10% कम कर रहे हैं, तब एक्चुअल हमको पता चलेगा क्या हमको तो 1% का लॉस ही हुआ है। समझ गए। चलिए अब इससे अगला थ्योरी आता है इसका।